पूज्यदेव आगरा उत्तर प्रदेश से श्री अंकित जैन प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य नमोस्तु पूर्वक कह रहे गुरुदेव, आज बॉलीवुड के स्थापित सफल युवा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मेरा प्रश्न यह है कि आज की युवा पीढ़ी एक्टर्स क्रिकेटर्स के जीवन और उनकी सफलता से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना आदर्श बना लेते हैं, लेकिन बार बार यह देखने में आता है कि अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या हम जैसे युवाओं को एक्टर्स क्रिकेटर्स को छोड़ करके श्री राम महावीर गांधी जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन के मुश्किल समय को भी समतापूर्वक जिया उन्हें हम अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता नहीं पा सके तो भी निराशा और असफलता को अपने ऊपर हावी न होने दें। बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। क्या नाम बताया? सुशांत जैन। ओ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत एक्टर है। देखिए ये घटना हर व्यक्ति को गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य करती है। दुनिया के जितने बड़े धनपति हुए हैं, अभी कुछ वर्ष पूर्व में जब कोलकाता में था, एक युवक ने पिछले 20 सालों के विश्व के बड़े धनपतियों की लिस्ट निकाला था और उसमें करीब 40 थे और 40 में 24 ने आत्महत्याएं की थी। ये एक तस्वीर है, इंटरनेट से निकाल करके दिया था, 2013 की बात है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े बड़े धनपति थे। ये हमें सोचने को मजबूर करता है। अगर पूरे विश्व का आप विश्लेषण करें तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता और स्टार्स जिन्हें आज आप सेलिब्रिटी के रूप में मानते हैं वे लोग आत्महत्या करते हैं। आज की घटना ने भी हमें वही बताया। इन सब के पीछे के कारण को जानना चाहिए। इसकी एक ही वजह है कि इन्होंने सफलता का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझा। आज के संदर्भ में सफलता का अर्थ केवल यही बन गया है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को पा लेना सफलता है, और हर व्यक्ति ने अपने अपने लक्ष्य बनाए हैं जो बड़े उथले हैं। उस उथले लक्ष्य को पाकर के व्यक्ति अपने आप को सफलीभूत मानता है, लेकिन वही जीवन की परिपूर्णता नहीं होती। उसके सामने जब किसी तरह की चुनौतियां आती हैं तो वो उसे झेल नहीं पाता और हार कर हताश होकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य कर बैठता है। हमें चाहिए कि हम प्रारंभ से सफलता का अर्थ समझें। जीवन की सफलता का मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र नहीं है। जीवन की सच्ची सफलता का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में अपनों को ढाल लेने की सामर्थ्य विकसित करना, चाहे जैसी परिस्थितियां उसको उसमें ढाल लें। अगर मुझे कोई उपलब्धि हुई है ये मेरी सफलता का प्रतीक है, लेकिन मेरी सच्ची सफलता तब होगी जब वो उपलब्धि मेरे हाथ से छिटक जाए तो भी मेरे मन की प्रसन्नता टिकी रहे। मैं अक्सर कहता हूं वो सफलता अर्थहीन है जो हमारी मन की प्रसन्नता को लील जाए। ये बड़ी उथली सफलता है, सतही सफलता है। हमें इनसे रंच मात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए।
प्रश्नकार ने बिल्कुल सही कहा, क्या हम श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन को अपना आदर्श नहीं बना सकते? वाकई में आदर्श तो यही है जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने मन की क्षमता को टिकाए रखा, जिनका मन हर स्थिति में मजबूत बना रहा। आज तो थोड़े से आघात में लोग टूट जाते हैं और आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये तो एक प्रकार का पलायन है, जीवन से हाथ धोना है। चाहे जैसी समस्या हो, महापुरुषों के जीवन चरित्र को सामने रखो और ये मानो कि जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य ठहराव रखने में ही जीवन का सच्चा रस है। जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में के विकट परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता रखी, वैसी ही मुझे भी रखनी चाहिए। पर ना तो आज ऐसी शिक्षा है, ना ऐसा वातावरण। थोड़े थोड़े में लोग टूट जाते हैं, जिंदगी से हार बैठते हैं। मैं महावीर जी में था, 2016 की बात है, जनवरी के महीने की बात। एक युवक आया चेन्नई से, वो अपने ब्रीफकेस में सेल्फास की गोलियां लेकर आया था। उसने अपने आप बीती बताई, एक कंपनी में वो था, उस कंपनी से उसकी नौकरी हट गई। इसी बीच जिस लड़की से वो प्यार करता था उससे ब्रेकअप हो गया, और इन दोनों घटनाओं को वो पचा नहीं पा रहा था, तो उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। गोली ले आया, पर तभी कहां से उसकी बुद्धि जगी। उसने कहा चलो एक बार महाराज से मार्गदर्शन ले लो, वो कभी कभार मुझे सुनता था। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उसने मेरा लोकेशन खोजा, मैं महावीर जी में था वहां आया, व्यस्तता थी, दो दिन तक रुका रहा, दो दिन तक मैं मिल नहीं पाया। दो दिन बाद जब उसने अपनी बात कही, मैंने उसे सुना, उसने ये सारी बातें बताई। एक संपन्न परिवार का युवक, जिसके घर 150 एकड़ की खेती हो, जिसके भाई का गल्ला का अच्छा कारोबार हो, वो आदमी 8 लाख रुपया साल के पैकेज का जॉब करता था। उस जॉब के छूट जाने का उसे बड़ा कष्ट था और ब्रेकअप का परिणाम था। मैंने उसे मोटिवेट किया कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर नहीं, खुले द्वार पर होना। मैंने मोटिवेट किया कि तुम घर जाओ, नौकरी छूट गई तुम्हें, मैं तो तुम अगर नॉर्मल रूप में मेरे पास आते तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने की सलाह देता। अच्छा होगा कि तुम अपने माँ बाप की पैतृक संपत्ति को संभालोगे, अपनी खेती बाड़ी करोगे, माता पिता का आशीर्वाद लोगे, उनके निकट रहोगे, उनका स्नेह पाओगे, उनका सद्भाव पाओगे। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया। तत्क्षण वो गोलियां, मैंने कहा इसको फेंको, उसने उन गोलियों को नाली में फेंक कर खत्म किया, बच गया। सवाल केवल इस बात का है कि लोगों को सही मोटिवेशन कैसे मिले। आज जीवन से हारने के बाद कोई किसी को बताने वाला नहीं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। जब तक कोई किसी को इस तरीके से बताएगा नहीं, बचाएगा नहीं, तो रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज के हर युवक युवती को गुरुओं का प्रवचन सुनना चाहिए, उनसे उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो लेना चाहिए।
ताकि लोग ऐसे कृत्यों से बचे। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो अनेक बार इसी शंका समाधान के मन से कहे कि मैं तो हार गया था, मैंने तो आत्महत्या की ठान ली थी, महाराज आपको सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आया, आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी नकारात्मकताएँ ख़त्म हुई है। जीवन में जो भी समस्याएँ हैं वो हमारी समस्याएँ हैं, उनका समाधान भी हमें ही तलाशना होगा। ये घटना सबके मन को झकझोरने वाली है। लोग जागे, चेते और अपने जीवन की दिशा बदले।